हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ऑल इन वन चैनल और आज हम बात करने वाले हैं टाटा के नेक्सन के बारे में। तो अभी जो आप ये वेरिएंट देख रहे हो वो XM S है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका व्यू देख लेते हैं चारों ओर से कैसा दिखता है। इसमें आपको कई सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं जिसमें वाइट, ग्रे, ब्लू, रेड, ग्रीन, सिल्वर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ये मेरा नया चैनल है। और ये जो अभी आप देख रहे हो वो 1500 सीसी का डीजल इंजन है। तो चलिए अब हम सबसे पहले फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले बीच में टाटा का लोगो दिया गया है और यहाँ पे देखिए आपको फ्रंट पे यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में काम देखने को मिल रहा है और उसके नीचे यहाँ पे क्रोम का भी काम देखने को मिल रहा है। देखिए अगर हम हेडलाइट की बात करें तो आपको प्रोजेक्टर यहाँ पे दिया गया है। देखिए प्रोजेक्टर है और यहाँ पे जो सिंपल वाली जो लाइट आती है येलो वो है और यहाँ पे आपको ये DRL दिया गया है। देखिए ये जो है ये DRL है जो गाड़ी स्टार्ट होने पर स्टार्ट रहेगा और यहाँ पे नेक्सन का बैजिंग है, देखिए शायद दिख रहा है। और यहाँ पे नीचे साइड इंडिकेटर भी दिया गया है, साइड इंडिकेटर है और इसमें आपको यहाँ पे फॉग लैंप नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम साइड व्यू से पहले देख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसमें टायर का जो प्रोफाइल है वो हम देख लेते हैं। इसका जो टायर है उसका जो रेडियस है वो है 195/16/60R16 और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कवर है, आपको इसमें स्टील व्हील मिलेगा, ये कंपनी से आता है कवर जो है और इसमें आगे डिश और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और जो ORVM है उस पर भी आपको इंडिकेटर मिलेगा और ये अंदर से फोल्ड अनफोल्ड नहीं होगा, लॉक अनलॉक करने पर होगा। और इसमें देखिए जो हैंडल है वो आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे और जो इसमें ये जो दिख रहा है ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर वो तीनों आपको ब्लैक कलर में ही मिलेंगे और ORVM भी ब्लैक कलर में मिलेगा। और इसका देखिए ग्राउंड जो क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा है, 209 mm का है, मतलब कि दिक्कत नहीं रहेगा, काफ़ी अच्छा है ग्राउंड क्लियरेंस इसका। अब हम इसके रियर व्यू की बात करते हैं। तो रियर व्यू में भी बीच में टाटा का लोगो है और नीचे पियानो ब्लैक फिनिश में काम देखने को मिलता है और नेक्सन का बेजिंग भी है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे लाइट दिया गया है और यहाँ पे देखिए वाइपर नहीं मिलेगा और डिफोगर भी नहीं मिलेगा। और अब अगर टेल लैंप की बात करें तो यहाँ पे साइड इंडिकेटर है, रिवर्स लाइट दिया गया है और ये ब्रेकिंग लाइट है जो LED में मिलेगा आपको और नीचे रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए दो सेंसर दिए गए हैं, एक सेंसर इधर है ये वाला और दूसरा सेंसर इधर है, इसमें आपको कोई कैमरा नहीं मिलेगा। और अब इसका बूट ओपन करके देख लेते हैं।
ये जो बूट स्पेस है वो 350 लीटर का है। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, वो आपको अलग से लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे लैंप भी दिया गया है। और स्पेयर व्हील का हम देख लेते हैं उसमें क्या है। देखिए वो 195/60R16, मतलब कि सभी टायर एक ही साइज के हैं। और ऊपर एंटेना भी दिया गया है। और यहाँ पे फ्यूल के लिए है, इसमें 44 लीटर की कैपेसिटी आएगी। इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 11,50,000 है, फिर स्टेट के हिसाब से अलग अलग रहता है। तो चलिए अब हम इसका इंजन भी देख लेते हैं। ये देखिए ये इसका इंजन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है वाइब्रेशन को कम करने के लिए, वाइब्रेशन और नॉइज़ को कम करने के लिए। ये 1500 cc का इंजन है। और ये इंजन है वो 113 bhp का पावर और 260 N का टॉर्क जनरेट करेगा NM। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।